हाँ बताइए। मेरा नाम शिवनाथ सिंह है, सावरिया देव सिंह रानी में रहने वाला हूँ। हमारे गांव में पहले लाइट नहीं थी, 2016 में लाइट आई है टूमर में। ये तो जैसलमेर से पहले कितना दूर है तवरिया? हमारा गांव यहाँ से होगा 30-35 किलोमीटर दूर है। जैसलमेर से हाँ जी, तो जैसलमेर में तो दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, इतने हाँ सारे जी, देश भर के लोग आते हैं, और तेवरिया में लाइट नहीं आई तो क्या होता होगा? वैसे ये आप लाइट नहीं आते, हमारा बहुत बहुत परेशानी होती थी पहले। हमारे गांव में लाइट नहीं थी तो हम दूर दूर तक आटे का चक्की का दाना पिसाने के लिए दूर जाते थे। अभी हमारे गांव में भी वो चक्की लग चुकी है। पहले हमारे गांव में पे हमारे रिश्तेदार वगैरह आते तो हमारे पे वो खिलते थे, हमारे बोलते थे आपको बहन बेटी कैसे दे, आपके घर में लाइट नहीं है। तो हमारे शादियों में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। अभी लोग आते हैं तो हमारे गाँव को देखते हैं तो एकदम शहर लगता है। हमारे गांव में टेलीविजन लग चुका है, हमारे गांव में चक्की लग चुकी है। तो हम टेलीविजन के माध्यम से काफ़ी लोग सीख सकते हैं। मैंने हिंदी सीखा, हिंदी खाली टेलीविजन के दूर से सीखा। टीवी में देखता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता हूँ। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सारा हमारे ज़िंदगी में बहुत फायदा हुआ एंड हम लोगों ने बहुत सारे इसमें सीखे। एक बड़ी बात, अब जब लाइट आई उस दिन से पहले हमारे को कॉल आया कि आपके गाँव में लाइट आ रही है। तो हम लोगों ने सोचा हमारे गांव साथ में कोई मजाक कर रहा, तो नहीं नहीं के मजाक नहीं कर रहे, हम लोग जैसलमेर से बोल रहे आपके गांव में 3 दिन में लाइट आ जाएगी। तो हम लोगों को 3 दिन बात किया, जब एक लोरी भरी के वहाँ पे आ गई। उसके बाद में हमारा लाइट मिला, उसके बाद में लाइट मिला तो उसके बाद में एक मेरी बेटी जन्म लिया, हमने नाम रखा उसका दीपिका, अरे क्योंकि पहले हम वाह दीप जलाते थे। उसको यादगारी हम लोगों ने यादगारी रखी, याद रखेंगे तो हमारे वन बर्थडे है, तुम्हारे तारीख याद नहीं रहेगी, तो इसका जन्मदिन मनाएंगे उसमें बोलेंगे हमारे इस दिन में लाइट आई थी घर में। तो हम चलिए, ये लोगों तो को आपने बहुत 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 अपनी आपकी बेटी को आपने अमर कर दिया, और मुझे भी हाँ खुशी है कि उसका आपकी बेटी का जन्म और गांव में बिजली पहुंचाना और हमारा बिजली का संकल्प एक साथ हो गया, तो हमें भी बहुत खुशी बहुत हो गई। बहुत ये बहुत बेटी का आभार हूँ हम आपने लोग बेटी का नाम का। रोशन कर दिया, इसलिए खास बधाई मेरी आपको। थैंक यू सर। तो हमारे बहुत गांव वाले आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद देते मैं हैं। बहुत बहुत हमारे को सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आपसे खुशी हुई हमारे को। आइए उदयपुर चलते हैं। दृश्य बोलो सर, हमारे लाइट आने से बहुत कहाँ बहुत कहाँ से धन्यवाद बोल रहे सर। हैं, कहाँ से? का उदयपुर जिला गोगुंदा तहसील कोटडा सर। ये कितना तो उदयपुर से किस तरफ पड़ता है? ये वापस इस तरफ पड़ता है, अपने सिरोही की तरफ, सिरोही जिला रोड पे पड़ता है सर। हमारे लाइट आने से बहुत फायदा हुआ, पहले बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, और पहले दीवा के अंधेरे में हम खाना बनाते थे, मच्छर गिरते थे और उससे हमारे बहुत बीमार हो जाते थे। कोई टीवी की बीमारी बताता, कोई कैंसर की बीमारी बताता, और हमारे अभी भी। और लाइट आने से बहुत फायदा हुआ, घर में पंखा लग रहा है, फ्रिज लग रही है, टीवी लग रही है, देखते हैं बच्चे भी, रात को 11-11 बजे तक पढ़ते हैं सर। हर चीज से सुविधा हुई है सर हमारे। और कोई पास में हमारे 2-3 किलोमीटर दूर जाते थे पहले पिचाने के लिए, अब हमारे घर के अंदर ही चक्की लगाई है सर, आटा पीसने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है, हर चीज की सुविधा हुई है सर। चलिए, आप सब गांव वालों को बहुत बहुत बधाई हो।